नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शिव श्रीवास्तव वाइगुरु के MD नोएडा स्टूडियो से और साथ ही हमारे साथ हैं जयप्रकाश गुप्ता मनी लिशियस के डायरेक्टर मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। शाम के कारोबार में अगर मार्केट की चाल को देखें तो गोल्ड में तेज गिरावट आ गई है और 380 रुपये नीचे है मार्केट। जोरदार गिरावट के साथ MCX पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और चांदी में भी करीब 500 रुपये की कमजोरी आ गई है। इन सब के अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो 32 रुपये नीचे है क्रूड, 3342 के स्तर पर MCX पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस करीब 1% नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मेटल मार्केट को देखें तो मेटल में आज के कारोबार में कॉपर का भाव करीब 1.5 रुपये नीचे है 311.25 के स्तर पर। निकिल में करीब 50 पैसे की नरमी है और साथ ही अगर बात करें जिंक की तो जिंक में करीब 90 पैसे की गिरावट आई है, 135 के आसपास MCX पर जिंक में ट्रेड हो रहा है। लेड का भाव करीब 1.10 रुपये नीचे है और एग्री मार्केट को देखें तो आज ग्वार का भाव 5 रुपये ऊपर बंद हुआ है 3052 के स्तर पर। ग्वार का में करीब 10 रुपये की बढ़त 5350 के स्तर पर यहां पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो यह है बाजार का ताज़ा हाल। लेकिन अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की कि कहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके हो सकते हैं और पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं गोल्ड। आईग्रू का मानना है कि 30,500 पे आप बेचिए 30,200 के टारगेट के लिए। दूसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं जिंक और 136.50 के स्तर पर बाइंग की राय है 134 के टारगेट के लिए। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में कॉपर में 305 के भाव पर खरीदारी की राय है 315 के टारगेट के लिए मनी लिशियस की और 301 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मानसून की। और मानसून के मोर्चे पर खुशखबरी है, देश के कई इलाकों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे बिहार झारखंड में मानसून पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर देखें तो पूरे मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश को मानसून ने कवर कर लिया है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के भी ज़्यादातर इलाकों में भी बारिश यहाँ पर हो गई है। तो ये एक अच्छी खबर है मानसून के मोर्चे पर। और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 24 से 30 जून के बीच देश के कई इलाकों में सामान्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है मानसून के मोर्चे पर और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि खरीफ की बुआई अभी तक कम है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अगर मानसून रफ्तार पकड़ता है तो खरीफ की बुआई में भी यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। आपको बताते हैं कि देश के किन किन इलाकों में कितनी बारिश 24 से 30 जून के बीच हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 46% ज़्यादा बारिश की संभावना है 24 से 30 जून के बीच। इसके अलावा अगर देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में 41% ज़्यादा बारिश होगी। मराठवाड़ा जहां पर भयंकर सूखे के हालात हैं वहां पर 49% ज़्यादा बारिश। विदर्भ में 37% ज़्यादा बारिश 31% और पश्चिमी मध्य प्रदेश में करीब 22% ज़्यादा बारिश की उम्मीद जताई गई है। तमिलनाडु में 72% ज़्यादा बारिश और साथ ही अगर देखें तो कुछ और इलाके हैं जहां पर सामान्य बारिश होने की संभावना है। बिहार में करीब 1% कम यानी करीब करीब ये नॉर्मल है और दिल्ली में करीब 9% कम बारिश की उम्मीद 24 से 30 जून के बीच है। लेकिन पंजाब में भी 9% की बारिश यहां पर कम हो सकती है और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 35% कम बारिश की आशंका है। तो कुल मिला के अगर देखें तो देश के ज़्यादातर इलाकों में 24 से 30 जून के बीच, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आपके इलाके में कितनी बारिश हो रही है और देश के ज़्यादातर इलाकों में 24 से 30 जून यानी 6 से 7 दिन के बीच सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश की उम्मीद जताई गई है।
तो मानसून के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ शिव श्रीवास्तव भी हैं। शिव, क्या लगता है आपको, अगर मानसून यहाँ पर रफ्तार पकड़ता है और बुआई में बढ़ोतरी होती है तो सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट आप किस कमोडिटी पर देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मानसून की अभी रफ्तार अच्छी है, हालांकि देखा जाए जो हमने अभी देखा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो 24 से 30 जून की जो भविष्यवाणी है वो थोड़ी कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर मानसून एक जिस तरह से उम्मीद है कि अनुमान से ज़्यादा इस बार बारिश होने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कुछ जिन कमोडिटीज़ पर असर पड़ेगी उसमें अगर एनसीडेक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ हमने देखा है पिछले दिनों गेहूँ की कीमतों में भी काफ़ी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। हालांकि गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि अच्छी मानसून का एक सेंटिमेंटल इफेक्ट गेहूं की कीमतों पे भी देखने को मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई है। जयप्रकाश गुप्ता, 23 तारीख के इवेंट से पहले मार्केट लगातार दबाव में फंसता हुआ दिख रहा है, ये किस बात के संकेत दिख रहे हैं आपको और क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, 23 तारीख को नो डाउट एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है, उससे पहले अटकलें बहुत तेज़ हैं, कभी इवन कभी ऑड, इस तरह से जो नंबर्स आ रहे हैं कि शायद ब्रिटेन रह जाए या ब्रिटेन बाहर चला जाए। तो देखिए, 23 तारीख तक स्पेकुलेशन बहुत ही जोर पे है, उस तरह से वोलेटिलिटी भी रहेगी, बट जब तक इवेंट ख़त्म नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा करेंगे यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में उछाल देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है 23 तारीख से पहले पहले यहाँ पे डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें और स्टॉप लॉसेस ज़रूर रखें और उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, विलास हैं बैतूल से और गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए विलास। सर नमस्कार, मेरा सर सवाल है गोल्ड के ऊपर, 29,900 पे मैंने गोल्ड के दो मिनी लॉट सेल किए, 29,500 का रेट कब तक आएगा और स्टॉप लॉस क्या लगाऊं इसमें, 15 दिन से मैं इसको झेल रहा हूँ। क्या कमेंट है आपका जयप्रकाश, गोल्ड का क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा 23 तारीख को जो रेफरेंडम है उसके ऊपर। अगर ब्रिटेन बाहर जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक उछाल देखने को मिल सकता है, और उसका रिवर्स भी ट्रू है अगर ब्रिटेन रह जाता है यूरो जोन में। लेकिन आपने अगर जो ट्रेड किया है, मुझे लगता है आप बड़े इवेंट से पहले ज़्यादा रिस्क ना लें यहाँ पे। अगर अब आज जो मार्केट 300 पॉइंट की गिरावट देख रहा है तो एक बार आप लॉस बुक करके एग्जिट कर जाएं, एक बार क्लैरिटी ले लें मार्केट में, उसके बाद ही यहाँ पे फिर से एंटर करें आप फ्राइडे को। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ उमेश हैं अलवर से, मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए उमेश। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। मस्टर्ड का क्या आउटलुक देख रहे हैं आपसे? मस्टर्ड की बात की जाए तो आज हमने थोड़ी तेजी देखी है, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों तक थोड़ी तेजी का इसमें माहौल बना रह सकता है। 4,800 से लेके 4,840 तक का मुझे लेवल दिखाई देता है आने वाले 2 दिनों तक। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कुंदन है नालंदा से और क्रूड पर पूछना चाहते हैं, पूछिए कुंदन। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ क्रूड ऑयल के दाम कब तक बढ़ने के आसार हैं? क्रूड में कब तक तेजी आ सकती है ये आप जानना चाहते हैं। जयप्रकाश, क्या आउटलुक है आपका क्रूड के ऊपर? देखिए, फिर से $50 के ऊपर WTI टिक नहीं पाया और एक करेक्टिव रैली दिख रही है डाउनसाइड में, बट मुझे लगता है यहाँ पे 3230 के आसपास मैं बाई की सलाह दूंगा प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 3180 का स्टॉप लॉस रखें, फिर से हो सकता है ये 3350 या 3400 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ पंकज हैं राजस्थान से, चांदी पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए पंकज। संजय सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछिए। संजय सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ दोनों आपके जो आए हुए गेस्ट से। सर, इस साल के एंड तक सिल्वर का दाम में हाई तोड़ सकता था 74,000 या नहीं? चांस नहीं है 74,000 का हाई, शिव क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि 74,000 अभी बहुत दूर की बात है, और ऐसी कोई घटना भी पूरे अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो ऐसी नहीं होने वाली है। मुझे लगता है कि साल के अगर अंत तक का रेट देखा जाए तो मुझे लगता है 40 से लेकर 42,000 हो सकता है, 74,000 की मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है। पंकज, तो 74,000 तो शिव कह रहे हैं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन आप इतना लंबा टारगेट लेकर
क्यों जानना चाहते हैं कि 74,000 का लेवल, जबकि मार्केट यहाँ पर काफी नीचे है उस लेवल से, 41 के आसपास है। जयप्रकाश, क्या आपका कमेंट क्या है इसके ऊपर? क्या इस साल तो संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन क्या एक बार फिर से आपको मार्केट में एक टर्न अराउंड नेक्स्ट ईयर तक दिख सकता है सिल्वर में? देखिए, सिल्वर नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा बाई है इंडस्ट्रियल मेटल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके तर्ज पे, बट 74,000 2016 में देखना बहुत ही टफ है। जो देखिए, लास्ट टाइम जब 74,000-70,000 के ऊपर का रेट दिखा था तो यूएस बहुत ही एक नाजुक परिस्थिति में था, S&P ने उसे डाउनग्रेड किया था, तो वो एक नीजक रिएक्शन देखने को मिला था। आज यूएस इकोनॉमी एक स्ट्रांग फुटिंग पे है, उसको अगर ध्यान में रखें तो 74 तो नहीं, बट ईयर एंड तक आप 45-46 का लेवल जरूर देख सकते हैं। ठीक, सवाल जवाब जारी है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसा कि तमाम हमारे एक्सपर्ट आज आपको बता रहे थे कि गोल्ड में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। अभी गोल्ड करीब 1% से ज़्यादा नीचे है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट का रुख है। चांदी का भाव भी 1% से ज़्यादा टूट चुका है। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, पंकज प्रवीण है, इनफैक्ट ओडिशा से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए प्रवीण। सर, मेरा सवाल जयप्रकाश सर से है। इन्होंने पहले मेरे को कॉपर का अच्छा दिया था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी मेरी 310 के कॉपर में बाएंगे, उसमें मुझे क्या करना चाहिए? और सिल्वर 41,500 पर बाएंगे, उसमें मुझे क्या करना है? कॉपर और सिल्वर बताए जयप्रकाश। देखिए, कॉपर मुझे लगता है ट्रेंड बुलिश है कॉपर का। आप अगर आपके बाई पोजीशन है तो 305 का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए पोजीशन पे। 315 के आसपास जो है, जो जहाँ पे कॉपर अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप उस लेवल पे एग्जिट कर जाइए। जहाँ तक सिल्वर की बात है, 41,000 के स्ट्रिक स्टॉप लॉस से बने रहिए। इवनिंग सेशन में अगर आपको 41,800 के ऊपर का लेवल दिखता है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ अंकुर है, जोधपुर से ग्वारगम पर सवाल पूछना चाहते हैं। अंकुर पूछिए। लगता है अंकुर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ भंवरलाल है जोधपुर से, पूछिए भंवरलाल। सर, मैं जीरे के एक्चुअल में छोटा किसान हूँ, मेरे पास 50-60 क्विंटल जीरा है। क्या मेरा ये जीरा 20,000 तक बिक सकता है? सर, 20,000 का लेवल क्या जीरे में दिख सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। शिव, क्या लगता है आपको जीरे में? हालांकि काफ़ी तेज़ी हाल के दिनों में आई है और 17,500 के ऊपर है, 20,000 का लेवल आपको दिख रहा है जीरे में? अगर जीरे की बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा अभी 20,000 का लेवल नहीं दिख रहा है आने वाले एक महीने की बात की जाए, लेकिन मुझे 18,500 से लेकर 19,000 का लेवल दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें एक डिमांड अच्छी है देशी और विदेशी बाजार में भी। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक महीने के अंदर जीरा 18,000 से लेकर 18,500 का लेवल दिखला देगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सोनल है MP से, कोरिएंडर पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सोनल। आदि सर, मुझे ये बोलना था कि जो आपका 11:30 बजे शो आता है उसमें आप धनिये पे एडवाइस दिया करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सुझाव देने के लिए, लेकिन हम ये सुझाव देते हैं जब भी एक्शन होती है इस कमोडिटी में तो आप इस पे, इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको इस काउंटर में क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में जयप्रकाश गुप्ता, क्या लगता है आपको इस काउंटर में? देखिए, काफ़ी अच्छा रन अप देखने को मिला है 150 रुपये से, अब 184-185 पे है। देखिए, अभी विंटर काफ़ी दूर है, जिस हिसाब से क्रूड में यहाँ पे रिकवरी देखने को जा रही है, देखी जा रही है, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ प्रेशर झेल सकता है करंट प्राइसेस पे, तो मैं मौजूदा लेवल्स पे तो बाई की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि अगर 185-186 मिलता है तो शॉर्ट करके चलें, 189 का स्टॉप लॉस रखें, करीब 180 या 178 का टारगेट माइंड में। अगले कॉलर हमारे साथ गणेश हैं हरियाणा से, नेचुरल गैस पर इनका भी सवाल है, पूछिए गणेश। गणेश, आपको आवाज आ रही है? अब तक से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कॉलर जसवंत है इंदौर से, सोयाबीन पर इनका सवाल है, पूछिए जसवंत। जसवंत, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। सवाल पूछिए। मेरा सोयाबीन 4020 का 5 लोट पड़े हुए भाई, तो क्या भाव आ सकता है? ठीक है, क्या कमेंट होगा शिव आपका? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन की जो तेजी है वो बनी रह सकती है। अगर एक सप्ताह की बात की जाए तो मुझे 3,900 से लेकर 3,950 का लेवल दिखाई दे रहा है, तो मेरी राय में आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं।
भंवर लाल है हनुमानगढ़ से, ग्वार पर सवाल है इनका, पूछिए भंवर लाल। हाँ जी, ग्वार के अंदर बिजाई बहुत कम है, बाकी भाव फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिजाई आप कह रहे हैं कम है, भाव फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्या रीजन देख रहे हैं आपसे? बिल्कुल आपने सही कहा है कि अभी वर्तमान में हमने देखा है कि बिजाई बहुत कम है और मानसून की भी जो रफ्तार है वो राजस्थान हरियाणा में अभी उस तरह से नहीं देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में ग्वार की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख रख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने क्रूड की कीमतों में भी थोड़ी तेजी देखी थी, हालांकि $50 से ऊपर क्रूड सस्टेन नहीं कर पाया है, लेकिन ग्वार गम के निर्यात में भी पिछले दिनों कुछ तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में तेजी जारी रहेगी और एक सप्ताह के अंदर 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की तेजी मुझे दिखती है। अगले कॉलर हमारे साथ प्रदीप है हिसार से, क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए प्रदीप। सवाल दोहराएंगे अपना, क्रूड में इंट्राडे में क्या क्रूड का टारगेट आप जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट देख रहे हैं आप सिर्फ क्रूड में? अगर क्रूड की बात की जाए तो मुझे लगता है इंटरडे में यहाँ से थोड़ा और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और अगर MCX की बात की जाए तो मुझे लगता है 3300 का लेवल आज शाम के सेशन तक देखने को मिल सकता है। जी, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। शिव, आपकी पहली कॉल क्या होगी? गोल्ड 30,500 पे बेचना पसंद करूंगा, 30,620 का स्टॉप लॉस, 30,220 का टारगेट। आपकी कॉल जयप्रकाश। मुझे कॉपर 309-310 पे मैं बाई करना पसंद करूंगा, 305 का स्टॉप लॉस, 315 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल शिव। 136 पे जिंक सेल कर सकते हैं, 137-30 का स्टॉप लॉस, 134 का टारगेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।